मॉर्निंग को वाला क्यू, आई होप यू विल बी फाइन एट होम। तो आज क्लास 11 के लिए हमारा लेक्चर रहेगा, क्लास 11 वाले बच्चों को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रखा है कि जो भी कोई मोशन जो है वो किसी पाथ पे स्ट्रेट वे में होती है उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी दूसरे तरीके के आपने मोशन पाए होंगे, जैसे कि अगर आप देखें कि काफी ऊंचाई से यानी एरोप्लेन या अन्य चीजों से आप कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है तो स्ट्रेट सीधे नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ कर्व बनाता हुआ नीचे में गिरेगा। ठीक इस तरीके से आप उतना कल्पना ना करें तो भी आप पाएंगे कि किसी ब्रिज वगैरह पे से अगर ट्रेन या कुछ भी ऐसा गुजर रहा है उस समय भी अगर आप स्टोन या कोई चीज या कोई पॉइंट अगर आप किसी पॉइंट को प्रोजेक्ट करके अगर आप नीचे को छोड़ो कि उस जगह पे गिरेगा, आपने कुछ कल्पना कर ली वो कर ली कि उस जगह गिरेगा, आपने उस हिसाब से छोड़ा, लेकिन आप पाते हो कि वो तो उस जगह से हटके गई नहीं, एक कर्व बनाता हुआ गिर रहा है। तो ये इस तरीके की जो सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन में ना जाके ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ कर्व को फॉलो करती है, कर्विलीनियर हो जाती है, तो इस तरीके की जो मोशन बनेंगी उनको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब आप सिंपल एक एग्जांपल पे आ जाएं, एक आप अगर बॉल लेते हैं, अगर आप वर्टिकली यानी 90 डिग्री पे अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो जिस वे में वो गई है वही की वही उसी वे में वो आपको वापस आ गई, लेकिन अगर आप 90 डिग्री से हटके किसी एंगल पे फेंके, बॉल हो फुटबॉल हो किक करे 90 से अदर देन दैट, यानी किसी एक्यूट एंगल पे कह सकते हैं या किसी ऑब्ट्यूस पे कह सकते हैं बट 90 ना, तो अगर आप किसी एक्यूट एंगल पर मान ले बॉल को फेंक रहे हैं या फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो आप आते वो एक कर्व बनाता हुआ जमीन पे गिरेगा, जहां पे थे आप और जहां पे जमीन पे गिरा, अगर जमीन से जमीन की या अगर आप ग्राउंड से ग्राउंड की दूरी बताओ जमीन से जमीन की तो इसको आप रेंज बोलोगे, ओके। और जो ये जो कर्व है पाथ जो रास्ता ये जो कर्विलीनियर इसको ट्रैजेक्टरी बोला जाता है, ओके। और इस तरीके से ये मोशन है थ्रू आउट ये सारी मोशन इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ये कुछ ना कुछ कर्व लिए हुए या आप कह लो यू शेप की हो रही है। मैथ्स को जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो ये जब मैथ्स पे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उनको ये मालूम है कि कॉनिक सेक्शन जब पढ़ते हैं तो वो सर्किल के बारे में पढ़ते हैं, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं, तो पैराबोला की जो इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक होती है यानी उसमें टू पावर एग्जिस्ट करती है, पावर टू आती है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर जब हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वहां भी देखेंगे वो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो भी एक पैराबोला की तरीके की बन गई, क्यों, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है और पैराबोला के शेप कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप जो मैथ्स को बिलोंग करते होंगे वो पढ़े हुए होंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला की इक्वेशन पढ़े होंगे, तो y में अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला जो बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा, यानी जिसमें क्वाड्रेटिक होती है उससे अदर देन दैट, यानी y में क्वाड्रेटिक है तो x पे बनेगा, यानी उसका शेप ये होता है, ठीक है। और अगर मान ले कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का लेते हैं तो उसका जो शेप बनेगा वो ये बनेगा, वो ये बनेगा, इसमें भी अगर माइनस ले लेते तो ये नीचे को बन जाता है, यहां माइनस ले लेते तो वो इधर को बन जाता है, जैसे यहां माइनस ले ले तो वो इधर को बन गया, यानी ये जो शेप आप देख रहे हैं कर्व के टाइप के तो है लेकिन ये पैराबोला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पैराबोला में खास चीज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ जाना, पावर टू वाले का आ जाना, इसका अगर जहां जहां पावर टू आती है वो सब पैराबोलिक इक्वेशन कहला सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ते हो वो भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो भी सब इसी तरीके के बिलोंग करते हैं, तो यानी कह सकते हो वो भी पैराबोलिक है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्ड चलेगा कि पाथ जो प्रोजेक्टाइल का होता है वो पैराबोलिक होता है, उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे जब इक्वेशन निकालेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, ओके। तो आते हैं टॉपिक पे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करें, तो हम लोग इसका जैसा कि अभी डिस्कशन कर चुके हैं वैसे इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, क्या, इवन अ बॉडी इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट सम एंगल बट अदर देन 90 डिग्री देन इट मूव्स अलोंग अ कर्विलीनियर पाथ,
सच पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोला जाएगा, एंड मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी यू शेप जैसा होता है। और यहीं पे क्वेश्चन की डिमांड भी बन जाती है कि कहीं क्वेश्चन होता है कि प्रूफ दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, या वो इक्वेशन दिखाओ जो इस बात को फॉलो कराती हो। उसके लिए हम लोग एक इमेजिन कर रहे दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हो गया जिसको हम लोग एब्सिसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इस पे कंसीडर कर लें जैसे फुटबॉल को या किसी बॉल को हमने शुरुआत से किसी एंगल पे किक किया, तो शुरुआत का एंगल थीटा वन थीटा टू भी लेके चल सकते हैं, इनिशियल को थीटा नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो शुरुआत का एंगल थीटा नॉट ले लिया, किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ। तो अब कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी जो ली जाएगी वो यू से हटके वी ली जाएगी, यानी यहां पे वेलोसिटी यू है और थीटा नॉट एंगल है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ऐसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, यानी वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में जाएंगे तो यू वाई, तो यू एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा में चलता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा में चलता है, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब वो वेलोसिटी यू से बढ़ के कुछ समय टी के बाद में वो वेलोसिटी यू से बढ़ के वी होगी, वी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट कर लें यानी वी एक्स और वी वाई, ऐसे चलती वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टॉप पे पहुंचेगी। आप मिसाइल वगैरह का भी ऐसे समझ सकते हैं, वो भी किसी एंगल से प्रोजेक्ट की जाती है और किसी खास डिस्टेंस पे चलने के बाद वो स्ट्रेट हो जाएंगी और काफी दूरी स्ट्रेट कवर करने के बाद में फिर से वो ग्राउंड की तरफ मुड़ेंगी। तो ये सारे प्रोजेक्शन होते हैं जो वार वगैरह में इस्तेमाल भी किए जाते हैं, जो मिसाइल लॉन्च करनी होती है उनको किस एंगल पे लॉन्च किया जाए उस समय भी इस सब तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, देखें जैसे वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचा तो उस समय आप सिर्फ उसमें इस समय देखेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगी, अभी तक क्या था जब आगे बढ़ रहा था तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी था एक वर्टिकल, लेकिन अब यहाँ पे आके वो इधर तो भाग नहीं रहे, यहाँ आके वो सीधे एक पलकों को स्ट्रेट रहेगी, यानी यहाँ पे सिर्फ रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी v जो रहेगी वो v इक्वल टू vx रहेगी। अगर कोई कहे तो यहाँ पे vy कितना है तो आप कहोगे इस पॉइंट पे बिल्कुल टॉप वाले पे vy कितना है, गायब है यानी जीरो। फर्दर अगर सिमेट्री पूरी फिगर की आप चाहते हैं कि एक जैसा दिखे तो जहां पे वो पॉइंट था वहां पे ये ले और जहां पे इनिशियली स्टार्टिंग दी थी वहां पे थीटा नॉट फिर से वेलोसिटी के कंपोनेंट दिखा सकते। अब इसके हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़े, तो सिंस बॉडी मूव्स अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी है, वर्टिकली फेंकी गई है तो अंडर ग्रेविटी मोशन इसकी हो गई, स्ट्रेट लाइन की तो मोशन थी नहीं। तो सिंस बॉडी मूव्स अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द होल मोशन, यानी इस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो पूरी वेलोसिटी के साथ में कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ जो है इसकी जो मोशन रहेगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंतर्गत रहेगी क्योंकि ये वर्टिकली फेंकी गई थी। तो अगर मान लें कि टी टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल चला तो इन टाइम टी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो फॉर्म होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी यानी यू एक्स यू एक्स रहेगा और इनटू टाइम टी टाइम में कितना चला हम लोग कह रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है यू कॉस थीटा नॉट इनटू टी, यहां से अगर टी की वैल्यू अगर आप चाहें तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, यहां से टी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब
फर्दर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये पाएंगे कि किसी टाइम टी में जितनी देर में वो हॉरिजॉन्टल चला है उतनी देर में देखें कि वो वर्टिकल कितना चल पाया होगा। जितनी देर में वो टाइम टी में हॉरिजॉन्टल उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x = cos थीटा नॉट * t से हुआ है, ठीक इसी टाइम टी के दौरान में वो वर्टिकल कितना चला होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर देना है तो हमको इससे आना पड़ेगा यूजिंग फार्मूला h = ut - half gt स्क्वायर। व्हाई वी आर गोइंग टू यूज सच फार्मूला? बिकॉज ऑफ वर्टिकल मोशन। व्हाई वी आर यूजिंग माइनस? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आती है अंडर ग्रेविटी तो g की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, अगर वही ऑब्जेक्ट अगर कोई ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू निगेटिव ली जाती है, यानी फार्मूले में माइनस हम लोग लगा लेते हैं इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू डालें तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने कितना ले रखा है, मान ले y जैसा, हॉरिजॉन्टल को x से, वर्टिकल को y से, u का मतलब यहाँ u y से रहेगा, t का मतलब t और माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यू वाई यानी u साइन थीटा नॉट। अब रही बात t की, तो t की वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन वन में मालूम है, वहां से डाल दें x अपॉन u cos थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज x अपॉन u cos थीटा नॉट। y इज इक्वल टू u इज कैंसिल्ड एंड साइन अपॉन cos बिकम्स tan, तो x tan थीटा सिंबलाइज नॉट से कर दें माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी एम और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास जो आ गई, यहां पे अगर आप देखो तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे आपके पास वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो अगर एक्स या वाई में से किसी में भी क्वाड्रेटिक अगर है तो हमें कहना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को फॉर्म करती होगी। तो यहां आप देखो एक्स में देखें क्या है, पावर टू आ गई, तो लिख देंगे आप कि सिंस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स सो इट फॉर्म अ पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स सो इट फॉर्म्स अ पैराबोला। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ करें कि प्रोजेक्टाइल की जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए, तो आप जब इसको हैंडल करते हैं सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं कि वो उसमें क्वाड्रेटिक आती है और पैराबोला से आप और हम सभी जानते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर पाएंगे और अगले सेशन में हम लोग इसी से संबंधित कुछ और प्रूफ्स को देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को पूरा राउंड लेने में यानी जमीन से जमीन तक गिरने में कितना टाइम लगा जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, मैक्सिमम कितनी हाइट ये कवर कर रहा है उसको हाइट को काउंट करेंगे और जमीन से जमीन जिस दूरी पे गिरा है वो से लेके वो डैश पे गिरा है तो ये दूरी हम लोग रेंज बोलते हैं यानी इसकी रेंज क्या बनी। तो अगले सेशन में हम लोग इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो क्लिप को देखें और अगर मुझे समझते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।